बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सऊदीयर से लाइव इंडिया के साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि भाई इंटरनेशनल फ्लैट्स अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है पूरी कि आने वाले चंद दिनों में खुलने वाली हैं। तासरात भी कुछ नजर आ रखे हैं, मैं आप भाई को वक्तन फक्तन ऐसी न्यूज से अपडेट भी कर रखा हूँ। तो भाई अभी इसी के रिलेटेड एक भाई अपडेट सामने आ रखी है और दूसरे नंबर पर वो मेरे भाई जो खुदा ना ख्वास्ता इस वायरस का शिकार हो जाते हैं या सऊदी अरेबिया में, या भाई आप न्यू वीजा के या जो छुट्टी इकामा वाले गए हुए हैं सऊदी में जब इंटर होंगे तो आपके लिए भी, यानी कि अगर आप छुट्टी इकामा वाले या न्यू वीजा वाले सऊदी अरेबिया में जब फ्लाइट्स खुलेंगी तब आएंगे आपके लिए भी, और यहां पर खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी बंदे को ये वायरस लाहक हो जाता है तो उन बंदों के लिए भी। भाई आपको अगर कहीं क्वारंटाइन वगैरह किया जाता है किसी मखसूस एरिए में, या आपको घर पर ही आपको बोला जाता है कि आप 7 दिन का 14 दिन का क्वारंटाइन वगैरह करेंगे, तवक्कल ना के सेहती के अफसर के थ्रू भाई आपके ऊपर नजर रखी जाती है, यानी कि आपकी लोकेशन के थ्रू आपके ऊपर नजर रखी जाती है कि ये बंदा कहीं कहां कहां घूम रहा है। तो ये तमाम तर चीजों को लेकर भाई अभी ये कह दिया गया है कोई भी ऐसा बंदा जो क्वारंटाइन वगैरह की खिलाफ वर्जी करेगा, यानी कि वहां से किसी मॉल वगैरह में घूमेगा, यारों के साथ बाहर निकलेगा, भागने की तो बात ही अलग है, तो अगर उसको घर पर कहीं बोला जाएगा कि आप जैसा कि खादमाओं को साइखास और खादमाएं हैं जो उनको बोला जा रखा है अभी, तो ये भी इसी जुमरे में आएंगे। अगर वो घर में भी भाई घर से बाहर निकलेगी, मॉल वगैरह में घूमेगी, फैमिलीज के साथ बाहर खाने के लिए जा रही है होटल वगैरह में, तो वो इसी जुमरे में आएंगे, यानी कि उनको 2 लाख रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा जो क्वारंटाइन वगैरह की खिलाफ वर्जी करेगा। जो मेरे भाई पाकिस्तान इंडिया वगैरह से भाई सऊदी अरेबिया के लिए सफर करना चाहते हैं फ्लाइट्स के बाद, तो यहां पर आपको जितने दिन क्वारंटाइन वगैरह का बोला जाए वो भाई बिल्कुल सही तरीके से कीजिएगा, वरना 2 लाख रियाल तक का फाइन मुतारफ करवा दिया गया है। इसके मुतल्लक यहां पर आपको मैं कुछ वीडियो पिक्चर भी अभी चलाकर दिखा रहा हूं, आप भाई ये भी देख सकते हैं, यानी कि ये भाई खबर पक्की है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई 2 नंबरी वाला मामला नहीं है जी।